बच्चों, आज हम रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। जिस दिन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमारा वीर बाल दिवस चल रहा है, तो उसी तरह जो है हमारा सेफ्टी रोड सेफ्टी से संबंधित जो है वो सप्ताह भी चल रहा है, तो आज उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि जैसे आप यहाँ से जाते हैं और जो बातें हम आपको बताएंगे शायद उन बातों को आप जानते भी होंगे, लेकिन उन बातों पे आपने जो है अमल करना है। जैसे इस तरह की आप लाइट्स देखेंगे, जैसे रेड लाइट्स है, येलो लाइट्स है और ग्रीन। तो रेड लाइट्स का अर्थ है कि हमें रुक जाना है, और येलो जो लाइट्स है उसका क्या अर्थ है कि हमें तैयार हो जाना है, और जो ग्रीन लाइट्स है, ग्रीन लाइट्स का अर्थ है कि हमें चल जाना है। तो तीनों लाइट्स का मैंने आपको बताया कि रेड लाइट्स, ठीक है, येलो और ग्रीन लाइट्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप चलते हैं और अगर आपने राइट मुड़ना है तो आप राइट वाली लाइन पे रहेंगे, अगर आपने सीधे चलना है तो जो लाइन है आप बीच वाली लाइन पे रहेंगे। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है। और जो येलो लाइट्स है उसके बारे में मैंने बताया कि 1920 से पहले सिर्फ दो लाइट होती थी, एक ग्रीन लाइट्स और एक रेड लाइट्स, और 1920 के बाद जो है ये येलो लाइट्स शुरू हुई। इसका जो मेन मकसद यह था कि पहले जैसे ग्रीन लाइट्स जलती है, जल्दी जल्दी में जो वाहन वाला होता है वह जल्दी अपने वाहन को निकालना चाहता है रेड लाइट से पहले, और वो जल्दी जल्दी में कई बार दूसरी तरफ से भी ग्रीन लाइट्स हो जाती है, इधर से भी ग्रीन लाइट्स, तो एक्सीडेंट की संभावनाएं जो है ज़्यादा होती थी। तो उसको कम करने के लिए जो है येलो लाइट्स का जो है प्रावधान हुआ। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोड जो है, मैंने बताया कि रोड क्रॉस करते समय आपने बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। लाइट्स के बारे में मैंने बताया है, अगर गाड़ी में आप बैठे तो बेल्ट, सीट बेल्ट का आपने प्रयोग करना है, और आप बाइक वगैरह के हैं तो आपने हैंडलेट वगैरह का जो है प्रयोग करना है। तो इसके स्कूल्स में है, बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि वाहन के रुकने के बाद ही आपने जो है उतरना है। जैसे वाहन आता है कोई या स्कूल बस में बच्चे जाते हैं तो